सेंट, सुपारी और गुटखा किंग। उत्तर प्रदेश में इस बड़े नेक्सस पर जांच एजेंसीज ने कड़ा प्रहार किया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जब एक इत्र कारोबारी और पान मसाला कारोबारी के यहां छापे मारे गए तो हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के यहां पर इनकम टैक्स के छापे के बाद करोड़ों रुपए मिले हैं। यहां तक कि नोटों को गिनने के लिए मशीनें लगानी पड़ी। इत्र कारोबारी के घर इतने नोट मिले कि उन्हें ले जाने के लिए अफसरों को 17 बक्से मंगवाने पड़े। नोटों की गिनती अभी जारी है। उत्तर प्रदेश में सेंट की शीशी से उठे इस तूफान से हड़कंप मच चुका है। सवाल उठ रहे कि सेंट, सुपारी और गुटखा किंग के बीच इस कनेक्शन की आखिर सच्चाई क्या है। नोटों के इस अंबार को देखकर छापे मारने वाले अफसर भी गश खा गए। करोड़ों की रकम को देखकर रेड टीम की भी आंखें फट गई, होश फाख्ता हो गए, सांसें ठहर गई। ये तस्वीरें कानपुर में एक बड़े इत्र कारोबारी के घर की हैं। इत्र कारोबारी के घर में रेड। सेंट कारोबारी के घर करोड़ों की बरामदगी। सेंट कारोबारी के घर नोटों का क्या है कनेक्शन? हम आपको उन तस्वीरों को एक बार फिर दिखाते हैं जिसके सामने आने के बाद कानपुर से लेकर लखनऊ तक और दिल्ली से लेकर गुजरात तक लोग सन्न रह गए। जांच एजेंसियों से लेकर सियासत के गलियारों में भी कानाफूसी होने लगी, ढेर सारी अटकलें लगाई जाने लगी। कानपुर में नोटों के कनेक्शन को यूपी में इलेक्शन से भी जोड़कर देखा जाने लगा। कहीं यूपी चुनाव में तो इस खजाने का इस्तेमाल नहीं होने वाला था? ये सवाल अभी अटकलों के दायरे में ही है। लेकिन कानपुर में कुछ कारोबारियों के यहाँ ताबड़तोड़ छापे के बाद जो तस्वीरें आईं, उससे हड़कंप जरूर मच गया। एक बार फिर गौर से देखिए, ये तस्वीरें कानपुर में परफ्यूम बनाने वाले पीयूष जैन के घर की हैं। अलमारी नंबर एक, अलमारी नंबर दो। पहली तस्वीर अलमारी नंबर एक, जिसमें 500 के नोटों की गड्डियां हैं और उन गड्डियों के बंडल हैं। इस अलमारी का साइज लगभग 8x4 फिट लग रहा है। नोटों के बंडल को देखकर इनके अंदर की रकम का अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन अलमारी नंबर एक में ऐसे 34 बंडल दिख रहे हैं। वहीं अलमारी नंबर दो वार्डरोब स्टाइल में बनी है। लकड़ी की इस अलमारी की ऊंचाई फर्श से सीलिंग तक दिख रही है। इसमें 33 बंडल नजर आ रहे हैं। ये रकम नोटों की गिनती जारी रखने तक फिलहाल 90 करोड़ रुपए नकद बताई जा रही है। अब आपको इसी पीयूष जैन के घर की एक और तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर में आधा दर्जन अफसर 4 मशीनों से नोटों की गिनती कर रहे हैं। अफसरों के बीच में 500 की गड्डियों का पहाड़ लगा है। गुरुवार को दिन भर चली गिनती में 90 करोड़ कैश का खुलासा हो चुका है। ये रकम इससे भी ज्यादा हो सकती है। ये देखिए, फेक इनवॉइसिंग और फेक उसका क्रेडिट का केस है। तो आपको मालूम है कि जीएसटी लॉ में अगर आपकी इनवॉइस एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा है तो आपको ईवे बिल और ई इनवॉइस जनरेट करना होता है। लेकिन इसमें हमने ये पाया कि ये ऐसा आइटम है जिसपे टैक्स रेट काफ़ी ज़्यादा है, 28% का टैक्स रेट है और उसके अलावा सेस वगैरह भी है। तो ये पाया गया कि ये लोग बिना किसी इनवॉइस के, बिना ईवे बिल के ये माल निकाल रहे थे और इसमें 2-3 पार्टी शामिल हैं। सब फेक इनवॉइसेस थे और उसके वैल्यू को सप्रेस किया गया ताकि वो उसी परिधि में रहें जो निर्धारित है लॉ में। अब इस पे कार्रवाई हो रही है, अभी तो शुरुआत है, लेकिन अच्छा बड़ा केस है, अच्छा डिटेक्शन है। पीयूष जैन का ये आवास है जहाँ पर DGI की टीम पहुँची और जब उसने पड़ताल की तो तमाम फर्जी दस्तावेज, इनवाइसेज यहाँ से मिले, जिसके बाद सघन जाँच की गई तो 150 करोड़ रुपये यहाँ पर निकले, जिसके बाद आयकर की टीम को इन्फॉर्म किया गया। आयकर की टीम यहाँ पर पहुँची और नोट गिनने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI की 4 मशीनें यहाँ पर मंगाई गई और नोटों की गिनती की गई, जिसमें लगभग 150 करोड़ रुपया यहाँ से मिला है। और पुलिस की टीम जो है वो भी यहाँ पर पहुँची हुई है। हालाँकि अगर बात की जाए इनकम टैक्स अपनी कार्रवाई यहाँ पर लगभग कर चुकी है, नोटों की गिनती लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन अब देखना ये होगा कि DGGI और ख़ास करके इनकम टैक्स इसमें किस तरह की कार्रवाई करता है, क्योंकि तमाम मामले इसमें सामने आए हैं जिसमें सर्विस टैक्स से लेकर के
जो गुड टैक्स है और इसके अलावा इनकम टैक्स के का मामला भी यहाँ पर बन रहा है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन कन्नौज का रहने वाला है। कन्नौज में पीयूष जैन का इत्र का कारखाना है। पीयूष जैन के कन्नौज निवास पर भी कई घंटे तक DGGI यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस की टीम लगातार इंतजार करती रही। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ना मिलने पर टीम ने कन्नौज के उसके घर और कारखाने को सीज कर दिया, घर पर नोटिस भी चस्पा दिया। इस बीच रेड डालने वाली टीम ने पीयूष जैन के घर के आसपास के लोगों से भी पूछताछ की। अब सवाल उठ रहे हैं कि इत्र कारोबारी पीयूष जैन कौन है, उनके घर छापे में बरामद करोड़ों रुपए का कनेक्शन क्या है। सवाल ये भी है कि क्या पीयूष जैन का रिश्ता किसी पार्टी से भी है। सूत्रों के मुताबिक कानपुर की एक पान मसाला कंपनी में पीयूष जैन का इत्र जाता था। जिस पान मसाला कंपनी के साथ पीयूष जैन के कनेक्शन बताए जा रहे हैं, कानपुर के उस नामचीन पान मसाला कंपनी पर पहले से ही छापा पड़ चुका है। पान मसाला कंपनी के मुंबई के अलावा महाराष्ट्र सहित कई ठिकानों पर भी DGGI ने छापेमारी की। कंपनी के सप्लायर के यहां से 150 करोड़ कैश बरामद हुआ। जानकारी के मुताबिक पान मसाला कंपनी ने फर्जी कंपनी बनाकर GST चोरी की और छापेमारी के दौरान जो बात सामने आई है उसके मुताबिक ये जो मसाला फैक्ट्री है इसमें बिना ईवे बिल के फर्जी इनवाइस के जरिए सामान भेजा जा रहा था। फर्जी फर्मों के नाम पर ये फर्जी इनवाइस बनाए गए थे। ट्रक में सामान लोड करने के लिए ये सभी फर्जी इनवाइस 50,000 रुपये से कम के थे, जबकि माल इससे कहीं ज़्यादा जाता था। फैक्ट्री के बाहर 4 ऐसे ट्रक मिले जिनको जब्त कर लिया गया है और कारोबारी के गोदाम से बिना GST चुकाए ऐसे 200 फर्जी इनवाइस मिले थे। फैक्ट्री की जाँच करने पर कच्चे माल की भी कमी पाई गई, यानी कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए सप्लाई ज़्यादा की गई थी। सबसे पहले कानपुर में पान मसाला कंपनी के प्रवीण जैन के ट्रांसपोर्ट नगर फैक्ट्री में रेड हुई। छापे मारने वाली टीम को सप्लायर्स के फर्जी बिल मिले। उसके बाद टीम ने सुपारी सप्लायर के अग्रवाल और इत्र सप्लायर पीयूष जैन के घर छापे मारे। टीम को इन कारोबारियों के घरों में भारी मात्रा में कैश होने की जानकारी मिली। यहाँ पर जो इत्र की सप्लाई किया करते थे पीयूष जैन, उनके आवास पर भी उनके ठिकानों पर भी छापेमारी की गई, जहाँ से 150 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं, जिसकी गिनती के लिए इनकम टैक्स की टीम ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मदद ली है। वहाँ से मशीनें ला करके काउंटिंग की जा रही है। सूत्रों मुताबिक कानपुर में 2 दिन पहले ही शिखर पान मसाले के जो मालिक हैं प्रवीण जैन, जिनकी ये फैक्ट्री है ट्रांसपोर्ट नगर में, यहाँ पर GST ने रेड की थी और फर्जी बिल मिलने के बाद इनके जो और सप्लायर्स हैं उन पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। इसके बाद आयकर विभाग को इसकी जानकारी दी गई और फर्जी दस्तावेजों की बरामदगी के बाद कैश की गिनती के लिए मशीनें मंगाई गई। ये कार्रवाई DGGI यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस की अहमदाबाद यूनिट ने की है। DGGI को फर्जी बिलिंग इनवॉइस के जरिए टैक्स चोरी की जानकारी मिली थी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।